रोहतक की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने के लिए ऊर्जा, कृषि, समुद्री और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में चार रंग की क्रांति का आह्वान किया। मोदी के मुताबिक ये हमारे राष्ट्र ध्वज के रंगों का प्रतीक है और इन्हीं प्रतीकों के साथ हमें देश को आगे ले जाना है। मैं ये चतुर्रंगी क्रांति करना चाहता, उसका एक रंग है केसरिया। मैं हिंदुस्तान में सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन करना चाहता हूं, केसरिया क्रांति करना चाहता हूं। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारे देश में केसरिया क्रांति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ सिक्युलर मित्रों को ये सुनने के बाद बुखार आ जाएगा, पता नहीं आज वो बीमार हो जाएंगे। भाइयों बहनों, सैफ्रॉन कलर वो एनर्जी का कलर माना जाता है, ऊर्जा का कलर माना जाता है। उन्होंने कहा कि अशोक चक्र के नीले रंग के अलावा राष्ट्र ध्वज तीन रंगों का है, उनमें एक रंग केसरिया भी है और वो देश में केसरिया क्रांति लाना चाहते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए विपक्ष पर तंज भी कसा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मित्रों को ये सुनकर बुखार आएगा, लेकिन वो साफ करना चाहते हैं कि केसरिया का अर्थ ऊर्जा यानी बिजली से है। उन्होंने कहा कि देश में दूध की डिमांड पूरी करने के लिए दूसरी श्वेत क्रांति की जरूरत है, वहीं देश में अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब फिर से हरित क्रांति लाने का वक्त आ गया है। मोदी के मुताबिक बंदरगाहों को प्रोत्साहित करने और मछुआरों को मजबूत बनाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन की जरूरत है और आप सबके सहयोग से यह संभव है, सरकार इसे पूरा करेगी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।